अब सुन्ती बाटी प्रतिमा के खिस्सा समेटल रेडियो कार्यक्रम हमार पहिला के आठौं भाग सुरु में सुने प्रतिमा के खिस्सा। आखक भाग में मई अपनी हुकन छुट्टी उमेर में भज कई के भुक्टल मारपीट के बारे में सुनाल रहूं। सह निसेकना हुई पाछ मई नेपाल आइनु तब उन घर जाए भर निसैकल रहूं। प्रतिमा भांजी कहाँ बाटो भांजी कहाँ बाटो भांजी मई बारी में बाटू मई कहाँ कर तू तो बारी में पौनी मनी फिर ना करो भांजी काम हमरा तो कई डर बीजे अस्त बैठल से कई दू कनो मई रह दे भांजी हमरा कई डर बीजे बाबू फोन करल रही ले तो भांजी फोन एक दिन अलग मनी फिर काम करो खुश ना करो भांजी हमरा काम कई डर बीजे देव तो मई रह दे भांजी आप काम वाम हमरा कई डर बी। हेलो हेलो हाय प्रतिमा कसिन बटा मजा बाटू दाई तुरा जे कसिन आटो मत सब तो मजा ही आटो हाँ दाई यहाँ आके पटा पैनु मैंने जेटू तो असी नहीं हुई नहीं रहा सब मोर कारण हो असीन हुई घर जाए ना हिम्मत नहीं आल दाई वो हमारे नहीं गए सीखनु दादू फिर रिसाइल हुई पढ़ाई भरना छिस कहीस दाई दादू पढ़ती रहीस कहीस समझस दाई मजा से दादू ठीक है बेटा आइबू नी के दाई प्रतिमा छाई आ गई लानी भित्तर आ छाई दाई नारो छाई नारो तार लाग मगे भुजा भुस्कर ढैडेलो बाटू ल्या खा छाई कहाँ गई गिल रल्या छाई घर छोड़ कर दिल्ली पुगल ढूंढ रिसा कैल्या कि कसी कैल्या तो छाई ओटरा दूर से अने से मन लागल दाई अक्कल आयल बटे आहू छाई दाई नियम कह के अनु दाई झगड़ा वगड़ा खेल लो कि का हुई तो छाई अक्कल आ गया
जय टुकनु जय बेटा नाइस कहल मई फिर आई कि नुडाई माई बटैली दे मोर कारण बाबा कैसे हुईली सब मोर गलती हो दे वसिना को साई लिखल कर मस्त हुई का कर बैठ नारो छाई नारो अब मैं ऐसे कब कबू नहीं करम दे मजा से पढ़ ले अच्छा है भुजा खा मगर भुजा भुज दे रखने पर ला खा ना समझस न से आप पुरान बात फिर ना दोहराएस अपन दिमाग मन निधर लड़ना हो असिन बात आप प्रतिमा तू यहाँ क्या कर रहा है मैं बोले न अपन छाय है तोर का हुईता यहाँ रायता बिना बटेले घर से भागना मने ने बलाई नहीं परल हो यहाँ घर ना यहाँ तई घर कुछ काम कर थ्या घर कसिन होगी देख था कबू कम से कम ये तो महीन हेरी अपन घर से हेरी कि यहाँ से हेरी मैं तो हेर तो डारन कहूँ तू हिन तू निकल तो हेर ना बा हाँ कहाँ कहाँ घूमस कहाँ कहाँ नहीं आप फिर घर ऐना जो नहीं हो तोर तोर झंखन ले कई दिन भूखला सुटल बाटू पटा पाइल बटिया और घर मने ये घर शहर नहीं पड़ल हो बुद्धि ते चुप लाग जतरा तोर हक बा ई घर में या कर फिर ओत्र हक बाटिस यहाँ रायता ए ऐसी हो ऐसी हो कल से मैं नहीं बैठा मी घर में बैठो तो हर छाई गई तोर दादुक बान देख डर लिया छाई तोर बाबा और आ गई तोर फे वस्त हो गई छाई मार फे जांगर नहीं लागत का हुई लख डॉक्टर आ फे कुछ नहीं हुई लो कहत मैं सकु काम है दरम दाई ते को न झंखना साहब मैं घर आ गई नु जे दाई अब बेरी बिन खैल आइल हो बिया चल बेरी खाली तो चल तो दाई मोरा भाग में केलसिन लिखल बाकी का हो बिमला जिंदगी अस्त तहो काहन प्रतिमा कबू कहर कबू कहर मोर त भाग्य अस्त बा पहिले संग पहर जाए कसिन मजा लागना हो बिमला हाँ त अब संग पहरने रहे तो गईलो उठे से मही फे अखला अखला लागत हेरो प्रतिमा आजकल त स्कूल हे बदल गिल हिना हो बिमला तो गईलो उठे से एक ठो पक्की घर बनल बा आजकल तो वह पक्की घर में बैठ के पहरती है रो प्रतिमा आजकल फिर आत्माराम सर पला बा हो बिमला रही नी तो आप इन फिर उस तो करत की नहीं करत लागल बानी कहा छुटे हिस्ता तब उन हेड सर और अमर सर भर मजा से बुझा के पढ़े था हेड सर तो तुहार बारे में फिर कबू कबू पूछती रहा का कही के पूछ जे हो आयल की नहीं पढ़त की नहीं का करत कही के टका हो आप तो पहले से फे खई कसिक जाना हो स्कूल में सब कुछ जान पता हुई गिल हुई पढ़ाई तो मजा तो हुई नहीं रहा है रूपर्तिमा पढ़ना मन तो लागत निका तब उन स्कूल गए से और जे का कही सर मिस कर फे आई नहीं दिए ही पढ़ना मन बा कल से अल से हो जाए है रूपर्तिमा के का कही कुछ नहीं कही मन तो लागत निका तब उन फे आई हो का प्रतिमा सोच परी हो बिमला पहर ना फे स्वाच पर थे चल रही हाली घास काट जाई हाली चल तो जाई घास काट ले चल तो जाई हाली अरे वो हेर तरी के हो रही प्रतिमा हो कि के हो मोरे से आई तो देख कहाँ रे अरे वो का हो तो वो हेर इहेरे तो आई ता कहूँ अरे हाँ तो कहूँ प्रतिमा तो हो कहूँ अरे उ तो पहरती पहरती उधर के गई कटल हजे आ रखल रे अरे आई नी तो थोड़ा छोड़ दिलिस कहूँ रे तब तो हुई ही श्री लहर बैठल बा कह के कठ जे हमको तो चाम चुम रो रे सुनी अब अरे बाबू का जे गिल रहा भाग के तई कोट जना त उ बेला में बुद्धि नहीं पुगल हो काकी घर में अपन बात बुझिया क्यों नहीं रह
घरम फे काम अकेल कर पर उह मारे हो का की अरे बाबू बात बुझो या मनै पाकी गिल रहे थरवा ले क गलती होगी काकी हुकरा तबुनी बात हंसना मेरा बात नहीं हो काकी हुकरा अरे बाबू दुनिया हंसे ना बात कर बेटा नहीं हंस बेटा हंसी तो लगबो करी जेटा हंस के केल बात हुरल से घर में छान के दुख कसी बुझना कहके कब्बू स्वाचल बाटो तोहा छाई सीमा फिर घर में रह बेर कसी स्वाचट स्कूल में सर हुकरा कसिन कर ठकई का कब्बू विचार कर ले बाटो उहर फिर ध्यान दे हो काकी हुकरा अरे तोर में से बिगरल तो नहीं हुई तो काहू का पता हुकन के घर देख के मन उबटिन की घर में कब्बू अपन छाई छान संग बात करना करथो की छाई हकेल काम करे थो काकी हुकरा अरे बाबू छाई कलक तो घर काम करक लागत रह घर काम नहीं कई दी तो के कई दी हो घर काम छाई छावन बराबर नहीं कराई बेर छाई न अपन घर में कलह महसूस कर था असिन बाट में कब्बू ध्यान दे थो की काकी हुकरा जति से कलो बाबू पहले मही है न फे वस्त है तो लाग का हूँ ख्याल करो हो हीरो काकी हुकरा तोहार छाई हुकन के फे मोरा हाँ सुही है बात तो ठीक कली प्रतिमा बाबू हमरो फे आपन छैन कबुनी बात बटे थी काम के लिए कर रही थी हाँ तो कहूँ सुनो रे साउनी हजुर के यहाँ चौकी कोठा तिर छ ओ उता छ नानी उता पछाडी बाट दाइ हो डगर छ पाछ बाटिन चर्की हो डगर छ कहूँ अनि सुनो रे साउनी दुई ठाउँमा समस्या ल्याइदिनु न ए ल ल हुन्छ हुन्छ बस्दै गर्नु ल साउनी ल एक कप चिया दिनु त मलाई तात तातो अलि हजुर हजुर पाक्दै छ ओहो प्रतिमा ए हेड सर फिट काहुन नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार काबा बाबू तुम्हार हाल खबर मजा बा सर यहाँ कहाँ आयल बाटो त दाई अस्पताल ले आयल रहूँ सर भूख लागत ह दाई भर हैन रे गिल बाट सर तुम्हार अइलक पता पाइल रहूँ पढ़ाई थे बीच में छोड़ देलो अब वह निस्वार पर न रह उस्त हो गिल सर उ बेला में बुढ़ी नहीं पुगल वह तो तुम्हार दादू फे पढ़ाई छोड़ देलो बाबू अस्सी का निस्वार पढ़ना रह लिखना पढ़ना उमेर यह तो हो जाए पढ़ना तो लागत सर आज जुन स्कूल कस्टिक जाना हो अभिन फिर तो कुछ नहीं बिगड़ल हो जाए बाबू स्कूल आयल से हो जाए आप तो कहाँ पढ़ा सेक जाए सर कहाँ हुई बाजे पढ़ने सेक जाए अभिन फिर वस्तो वस्तो सोचती रहो कल से आज से झनझन पहुँचते वो बाबू लो भरना फिर शुरू हुई लागल बा भरना हो जाए हो ना बाबू ठीक है बाट सर मेहनत तो करू या मन इतने सफल हुई ठजे बाबू हमरो फे तुहिन सहयोग कर बीजे ठीक है बस सर सर कन से फे सहयोग हुई था मैं फिर से स्कूल भरना हुई हेड सर से भेंट हुई पाछा मैं ही कहिया स्कूल जाइबू कना लगती रहल स्कूल में परीक्षा और आयल ओ लौवा भरना खुलल मैं फिर से कक्षा सात में भरना हुई नु ओ स्कूल जाए लगनु गुड मॉर्निंग ल सबै जना बस्ने है थैंक यू सर अनि आज तिमीहरुको पहिलो कक्षा हैन हो सर त्यसो भए परीक्षा सकेर कोले के गर्यो त म त मामा घर गएर आए सर ल महेश मामा घर पुगेर आछ अनि मामा घर गएर के गर्यो त घुमे सर ए ल अरुले के गरेनौ सर म त इन्डिया पुगेर आए सर इन्डिया कस्तो लाग्यो त राम्रै लाग्यो सर राम्रै मात्र लाग्यो हजुर सर ए अब इन्डिया कस्तो छ भनेर त हरि भन्दा प्रतिमालाई थाहा होला नि हैन त प्रतिमा किन फर्केर आएको प्रतिमा किन र सर म फर्केर पर्न हुँदैन न अब उतै बस्ने गरी गएको मान्छे फर्केपछि त सोध्नु परिहाल्यो नि त अनि सर कक्षामा यस्तो कुरा नसोध्नुस् न ठिकै छ नि त पछि कुरा गरौँला हुन्छ सर अनि मदन पनि तिमीसँगै गएको होइन ऊ पनि फर्केर आयो त आत्माराम जस्टिन सरुकनके कारण ढेरनक विद्यार्थी स्कुल ऐन झाँगर नै चल्थिन् बल्ल बल्ल हिम्मत जुटाएके गइल रहँ पहिला दिन म अस्सिन भुक्तक परल वकर पाछ मै का गर्नु त मै औरो भागमा सुनाइबु न
रेडियो पत्रिका हमार पहिला के पहिल खंड में अपनी भर्खर प्रतिमा के खिस्सा सुनली जेम भाग लिहु कलाकार हुकरह डीना चौधरी रामप्यारी चौधरी चंद्री चौधरी मनीषा चौधरी जानकी चौधरी ममता चौधरी सायद बहादुर चौधरी राधा साउद लौटन चौधरी निपेश चौधरी ओ रंजित चौधरी नाटक लिखल और निर्देशन कर छपिलाल चौधरी। आब हमरा प्रतिमा के भुक्टल जसिन लगना हमारा गाँवठाँव के विषय समेट के तैयार पारल सामग्री सुनी नाट। रेडियो पत्रिका हमार पाइला के दोस्रो खंड में लक्ष्मी चौधरी के राम राम। आज के कार्यक्रम में हमरे पढ़ाई छोड़ के लम्बा समय पाछे फेन स्कूल भर्ना हुई बाल बालिका हुकरन से पेट के तैयार पारल एक रिपोर्ट। मई 7 कक्षा में पढ़े बेर अपन पढ़ाई छोड़नु मोर एक घर के आर्थिक अवस्था कम रहे ढेर समस्या के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ल विद्यार्थी हुकरन के दाय बाबन संकरल एक छलफल कनुमै कि जा चुनु कहिके पढे तबु फेन नाइ सुनाइ देहल ओस्ते कि स्कूल बाहर रहल बालबालिका हुकरन स्कूल फर्काई कै शिक्षक जाई कन बारे में घोडागुडी नगरपालिका के शिक्षा शाखा के प्रमुख उमेश राज रेग्मिक संग करल बातचीत सुनैबी। मनोज वैज्ञानिक रूपमा पनि असर परेको छ बालबालिकाहरुलाई विद्यालय प्रति देर जैसे बाल बालिका हुकरे पहरती पहरती बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। घर के आर्थिक अवस्था कमजोर हुए कारण वो पढ़ना मन नहीं लाग के बीच में पढ़ाई छोड़े पड़ल वही बटे थे तर वही मध्य देर जैसे चाहे पढ़ाई शुरू करके मजा से नहीं आगे बढ़ते लीता सुनी अस्ति ही बाल बालिका हुकरन संग भेट के तैयार करल एक रिपोर्ट। देर जैसे बाध्यता के बीच में पढ़ाई छोड़ल बाल बालिका मध्य और जे फिर स्कूल पढ़ाई है आगे बढ़ना नहीं सीखते तर कबू कबू बाध्यता हुकरन फिर अपन पढ़ाई इच्छा है फेन आगे बढ़ाई थी इहे मध्य एक लवंडी हुई थी। मई 7 कक्षा में पढ़े बेर अपन पढ़ाई छोड़नु मोर घर के आर्थिक अवस्था कम रहे मोर घर मन होकर पढ़ाई नहीं सकल तब मारे बीच में छोड़नु तर पढ़ना रहल नहीं छोड़ले कारण वहाँ फेन 7 कक्षा में भरना होके पहरे लगली। अब मैं 10 कक्षा में पढ़ती मैं 3 वर्ष गैप करनु पढ़ाई में मैं फेन 7 कक्षा ठंड से भरना हुई नु तब जाके अब 10 में पुगला तू वहाँ 7 कक्षा पढ़ी पढ़ी स्कूल के पढ़ाई छोड़ ले रहे वहाँ जैसे औरे बालक फिन आर्थिक कारण से पढ़ाई छोड़ ले रहे तर वहाँ फिन स्कूल जाके पढ़ाई हिन आगे बढ़ाई नहीं अब अपन पढ़ाई मजा रहल वहाँ के भनाई बा। मैं 7 कक्षा में स्कूल छोड़नु आर्थिक अवस्था का कारण से नहीं पढ़ सकनु घर के अवस्था फिर बुआ फिर घरे नहीं रहना वहाँ अंत विदेश गेल के कारण से पढ़े नहीं सकनु अब मैं 10 कक्षा में पढ़नु पहले से बेहतर है बढ़िया से मन फिर लागत आजकल बीच में पढ़ाई छोड़ल और विद्यार्थी हुकरन फे वहाँ स्कूल जाके पढ़ाई शुरू करे लग सलाह दे थे अपन संगे पढ़ल संग रहे काम लगी नहीं जागीर लगी नहीं सब से अब तब जाके पढ़ना मन लागल विद्यालय छोड़ने से पाछे नहीं मजा रहा कुछ अवसर नहीं मिला। गांव घर में स्कूल छोड़ल बाल बालिका हुकरन के आनी बानी ओ वेनिन के पारिवारिक अवस्था प्राय शिक्षक हुकरन है पत्थर हट तबे मारे समस्या बुझ के स्कूल छोड़ल लौरा लहुंदी हुकरन फेन फका के स्कूल फे प्रयास करेक परत कना राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक राम छविला चौधरी बताई थे। अभिभावक संग ने जानकारी मतलब की त्यो विद्यार्थी भाई संग ने डाटा संकलन करेर त्यस्ता इच्छुक विद्यार्थी हरुलाई पुनः हामीले मतलब गएर बोलाएर अभिभावक लाई पनि बोलाएर मतलब त्यसलाई सम्झाउने बुझाउने र त्यसको जानकारी लिएर त्यो एउटा कार्यक्रम निश्चित गरेर उसँग भेट गरेर पुनः विद्यालयमा लाउने प्रयास गर्न सकिन्छ। जेहे जैसिन कारण से फेर लौरा लहुन्डी पढाई छोड्के फेन कक्षा कोठामै अभिभावक शिक्षक ओ स्थानीय तह से प्रयास गरेक पर्ना शिक्षाविद हुकरनके मतबा। हावा छाई हुकरे मन लगा के पढ़ते ही कना दाई बाबा हुकर चले रहते हैं तर सकुजे पढ़ाई नहीं सीखते हैं वो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं वही नहीं पढ़ाई छोड़ने कारण वो कैसे फेन वही नहन स्कूल फरकाई सीख जाए कह के स्कूल छोड़ल विद्यार्थी हुकरन के कुछ अभिभावक हुकरन संग छलफल कर ले बाती ली तो सुनी ओहे छलफल। अब मई महेंद्र राजमार्ग के उत्तर ओहर करीब 4 किलोमीटर कुंभकना गाँव में आयल बाटू
अब हमार संग चारजे अभिभावक हुकरे बाटै वहा हुकरन संग कुछ बातचीत करे जाइति सकु जहन राम 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 मोर गुलाब डंगौरा ठारू बैठना चाहि कुम्भी होइ तहा छावा पढ़ती पढ़ती बीच में काहे पढ़ाई छोड़ने हमार छावा तो ऐसिन की होइल की मई फेन बेढप कनु पर पर कह के तो दोसर के लई लई मन लागके डांसर मन लागके एकदम छोर फेन देहल ओ बेढप कनु मई की जा चुनु कह के पढ़े तबु फेन नाई सुनाई देहल का कारण से तुहार लड़का पढ़ाई छोड़ ली कहके कथे ओगर सोच का रहिल कि मने डांसर करके मई और मने कलाकार बनम और अन्य चीज पर हम कहके बनम कहके ओगर सोच आइल छी का मई बटाऊ तो कहके मई डांसर मन जिम कहके कुछ दिन तो हर डांस मन भीड़ ले रो दुई तीन वर्ष तब से तो मई कनु चुनु डांस नाई मजा हो पढ़िस कहके बस तब से वस्ते करते करते छोड़े रहल अनि उस्ते के हमार संग मैम बाटे तुहार छाव जे काहे पढ़ती पढ़ती बीच में पढ़ाई छोड़ने पढ़ाई स्कूल जाए तो कह के जाए स्कूल मन से झोल फेका के घूमे चल जाए लड़कन साथ है हमरे तो कही लड़का पढ़े गिल बा हमारा शान हुए तो आए पढ़ के आ गिल कह के रहे पढ़ा छोड़ल पढ़ा छोड़ के इंडिया भाग गिल मोरिक नाम बुद्धि सिंह डंगौरा थारू हो संगरे संग लाग के कोई संगरे कह लगा इंडिया जाए तो कोई संगरे कहा पढ़े जाए कह के पाछे अब इंडिया जाने वाला संगरे संग लाग गिलस बस पढ़ाई छोड़ दे जब पढ़ाई छोड़ नहीं तो फिर दूसरो स्कूल पढ़ाई लग प्रयास कर लो कि नहीं कर लो प्रयास कर लू मैं प्रयास कह के साइकिल तक लाई देनू पढ़े जही कह के लड़का तब पर फिर नहीं ऊंचा कर नहीं पढ़ना कोशिश नहीं कह नहीं जब पढ़ाई छोड़ नहीं तो हाँ छावा तो फिर दूसरो तू स्कूल पढ़ाई ना प्रयास कर लो कि नहीं कर लो कर लो नौ में लिखाई नू तब से नाच से नहीं गिल नौ में लिखे नू तब से बेढक फुलाईली छाव पढ़िस कह के अब नहीं पढ़े तो कहिया पढ़े मोबाइल वोबाइल अभी नहीं किनिस कली साइकिल भर किन ले रही तो साइकिल किन ली तब ना गिल पढ़े जब पढ़ाई छोड़ नहीं वो जैसे कि तू जा छाव पढ़े कह के कहो तो उस समय में तुम्हार लड़का का कहे वो का समझ से रहे वो बेला में पढ़े नहीं बोलबे नहीं करे पढ़े कह के पहले कह पढ़ी कह के अभी नहीं अब नहीं पढ़े तो कहिए पढ़े कह के खूब कोशिश करनू करनू तो पढ़े मने नहीं कर रस अब बोलटल मन करे पढ़े तो अब लिखा दी दूसरे अब झोला लब डा के चल जाओ इस टेटरे में फिर जा कह के जाए तू फिर ढह के चल जाओ टेटरे में है टेटर चलाए त्यों देख तो त्यों टेटरे में है अनि आजकल तुहार लड़का का करत है पढ़ाई छोड़ के अब डांस फेन छूट गिलस पढ़ाई फेन छूट गिल अब बल जबरे गरिया गरिया दुकान में बैठे थे साइकिल पिंचर बनाइट और तुहार छाव जे आजकल का करते घर बनाइट मंजूरी करत का करी तो बैठल पढ़े ना गिल तो तुहार छाव जे आजकल का करते रोज दिन टेटरे में जाए पढ़ कह के बेड नाम लिखेनो तो नहीं मन कलक तो दिन के पढ़ते कहूँ पढ़ ले कहूँ तो अब बिल्कुल नहीं टेटरे में चल जाए पोर साल फिर लिखा दिले रहूँ पैसे किल गेल किताब फिर लेनू सब चीज लेके तन स्कूल में नाव तक लिखा देनू साल भर पूरा पैसा दे के तन नहीं गिल बाल बालिका हुकरन पहले जस्ते स्कूल पठाइक लग के का कर दी कहना हंस लागत जेना मेरी एक वातावरण बनाए के पढ़ना हो कहे की मस्त रहना स्कूल में फिर पिट थी लड़का से झगड़ा उठे तो फिर लड़का नहीं देना मन लगते हैं दाई बाबा हुकरन फिर बहुत ज्यादा केयर करना हो स्कूल में जाके ऊंचा करना हो कि मतलब मोर लड़का वचन हेर दे हो कह के और उस तक के मतलब रमायल फिर करे ना हो के नाच गान लगाए टैलेंट विद्यार्थी हुकरन पुरस्कार के फिर व्यवस्था करना हो सब कुछ ढेर से ढेर धन्यवाद अपन समय दिलो अपने हुक्रिय अब कार्यक्रम हमार पाइला सुन्टी बाटी भरखर अपने हुक्रिय लौरा लौंडी बीची में पढ़ाई छोड़न कारण ओ वही नहन फिन से कैसे स्कूल फरकाई सीख जाये कना विषय म स्कूल छोड़ल विद्यार्थी हुकरन के दाई बाबन संग करल बातचीत सुन ली विद्यार्थी हुकरन स्कूल छोड़ना अवस्था नाई आई देना सबसे भारी बुद्धिमानी हो यह संदर्भ में हमने कुछ शिक्षक हुकरन का हुई तो विद्यार्थी हुकरे बीची में पढ़ाई छोड़ना अवस्था नाई आई गई के पूछ ले रही ली तो सुनी वही नहीं इनके बनाई मोरिक नाम रघुनाथ चौधरी शुरू में अभिभावक हुकरे अपन बच्चा के यहाँ कतरा टाइम दे कह दियो ना घर में बढ़े से टाइम दीही पढ़ना वातावरण बढ़े से बना ले रही तब दूसरो किताब कापी से लेके सब कुछ पेंसिल हुई सब मजा से हेर देख करही उ करही तो कल से बढ़े हुई मोर नाम बबीता महतो विद्यार्थी के घर के अवस्था कैसी भाई अब कोई ऐसी रठिन की अवस्था इतना कमजोर रठिन की जैसे कॉपी पेंसिल लेना फिर इनके अवस्था नहीं रठिन अपन परिवार में अभिभावक फिर ध्यान नहीं देना अब यहाँ फिर आई ना अब
शिक्षक पहले मानसिक मोर नाम भावना चौधरी ठेकाना चाहे घोड़ाघोड़ी नगर पालिका एक सुखड़ काम करे चल जी ठे और जाके शिक्षा में ऊ नही हुई जानकारी नही हो शिक्षा करना मजा हो कई के। मेरो नाम भजन साई इस जनज्योति माध्यमिक विद्यालय को सामाजिक शिक्षक विद्यार्थी को आर्थिक अवस्था नहीं हो ते पी उसको घर को पारिवारिक अवस्था कस्तो घर का आमा बुआ को शैक्षिक अवस्था जनचेतना को अवस्था को के कस्तो में भर पर्छ। म दीपेन्द्र सुवेदी जनज्योति मावी को सहायक प्रो लाई लाई में लगे अलग साथी को स्काउट में लगे जाऊँ आज घूमना जाऊँ इता जाऊँ इता जाऊँ भाई इसको आधार में ड्रप आउट होने संभावना देखे। करीब 60% बाल बालिका हुक्रे बीचे में स्कूल पढ़ाई छोड़ना करले बाटे घोड़ागुड़ी नगर पालिका के तथ्यांग देखेले बा ओइनहन फेन से स्कूल फर्कैना गारो हुईल नगर पालिका के कहाई बा। यही संदर्भ में हमार संघरिया वीरेन्द्र शाह घोड़ागुड़ी नगर पालिका के शिक्षा शाखा के प्रमुख उमेश राज रेग्मी के संग बातचीत करले बाटे। कोरोना संक्रमण के बीच में स्कूल तो खुले विद्यार्थी स्कूल कति को आई रहें अब विद्यालय संचालन कार्य ढांचा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय निकालेको विद्यालय संचालन कार्य ढांचा अनुसार हामीले विद्यालय संचालन गर्न सरकारवालासँग छलफल गरेर विद्यालय त्यही कार्य ढांचा अनुसार र विद्यालयको अनुकूलताका आधारमा विद्यार्थी संख्या विद्यालयको भौतिक अवस्थाका आधारमा ती सातवटा विकल्पहरू देखाइएको छ। ती सातवटा विकल्प मध्ये कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ त्यो विकल्पमा विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अनुरोध गरेका छौँ त्यही अनुसार विद्यालयहरू सञ्चालन भइराखेका छन्। विद्यालय सञ्चालन हुँदा कुनै कुनै ठाउँमा थोरै विद्यार्थी भएका स्कुलहरूमा चाहिँ नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन भएका छन् भने कुनै कुनै विद्यालयहरूलाईमा सिफ्ट वाइज कुन स्कुलहरू सञ्चालन भएका छन् धेरै विद्यार्थी संख्या भएको ठाउँमा हप्तामा दुईदेखि तिन दिन विद्यालय आउने वातावरण भएको छ। विद्यार्थीहरू सामान्यतया आइराख्नु भएको छ अरू कोही विशेष कारणले चाहिँ नआएको अवस्था भयो भने हो तर चाहिँ सामान्य रूपमा सामान्य अवस्थामै आइराख्नु भएको छ। कोरोनाकै कारण विद्यार्थीले पढाइ छोड्ने अवस्था त छँदैछ नि एकदमै हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो अब महामारीको कारणले यो सामान्य अवस्था होइन विद्यालय सञ्चालन हुने नियमित अवस्था पनि होइन तर यो महामारीको अवस्था भएको कारणले बालबालिकाहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि असर परेको छ। बालबालिकाहरूलाई विद्यालयप्रति चाहिँ विभिन्न खालका समस्या हुन सक्छ भन्ने खालको डर परासहरू पनि छ। त्यसैले अब सबै बालबालिकाहरू चाहिँ विद्यालय आउन सकिराखेको अवस्था पनि होइन त्यही बालबालिकाहरूमा आउन नसकेको अवस्था पनि छ। ती बालबालिकाहरूलाई हामीले अब विद्यालय मार्फत उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर उनीहरूलाई तपाईँको सुरक्षाका उपायहरू अप्नाएर विद्यालय आउने अनुरोध गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले प्लान गरेका छौँ। पहिलेदेखि नै पढाइ थालिसकेकालाई फेरि स्कुल फर्काउन चाहिँ तपाईँहरूले के प्रयास गरिराख्नु भएको छ? विद्यालय छोडेका बालबालिकाहरूलाई हामीले पढाइ स्कुल विद्यालय मार्फत हामी जति काम गर्छौँ विद्यालय मार्फत काम गर्ने उनीहरूलाई हामीले भर्ना अभियान गर्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ घरमै गएर भए पनि बालबालिकाहरूलाई ल्याउनुहोस् अनि उनीहरूलाई विद्यालयमा चाहिँ जोड्नुहोस् भन्ने कुराहरू गरेका छौँ र अब अहिलेको विषम परिस्थितिमा यो भर्ना अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनौँ र अब यो कोरोनाका कारणले हामीले यो कार्यक्रम गर्न नसकेका कारणले के बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी ल्याउनका लागि अब यो वातावरण सामान्य भयो भने विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था आयो भने र बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यो विद्यालयमा ल्याउनका लागि हामीले विद्यालय मार्फत त्यस्ता बालबालिकाहरूको पहिचान गरेर ती बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि पहल गर्नेछौँ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बच्चाहरू धेरै जसो स्कुल छोड्ने देखिन्छ उनीहरूलाई स्कुलमै टिकाइ राख्न के गर्न सकिएला? कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बालबालिकाहरू विशेष गरी हाम्रो क्षेत्रका बालबालिकाका अभिभावकहरू इन्डियातिर जाने बढी प्रचलन छ सँगसँगै बालबालिकाहरूलाई पनि इन्डिया लगेर जाने चलन छ भर्ना गर्नुहुन्छ विषयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले बाहिर बालबालिकाहरू चाहिँ आफूसँगै लगेर जानुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले अभिभावक शिक्षा मार्फत यो वर्ष अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम राखेका छौँ। अभिभावक शिक्षा मार्फत बालबालिकाहरूको सिकाइ बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउनु पर्ने कारण र उनीहरूलाई कसरी पठाउने भन्ने कुराको बारेमा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम मार्फत अब चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बालबालिका लागि पढाइयो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ फिलिङ गराएर विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा ल्याउने वातावरण बनाउँछौँ र विद्यालय ड्रप आउट रेट हाम्रो 70% हाराहारीमा छ। ती बालबालिका यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय पनि हो र यी बालबालिकाहरूलाई ल्याउनका लागि अब विद्यालय नियमित हुने बित्तिकै हामी विद्यालय मार्फत ती अभिभावकहरूको घरमा गएर घरभेट गरेर अभिभावकहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा पठाउने कुरामा हामी चाहिँ लाग्नेछौँ। हाम्रा रेडियो पत्रिका हाम्रा पहिलाकै अन्तिम हो र आशाकल बाटी
आज कार्यक्रम के नाटक खंड सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम टीकापुर से तैयार पारल हो कल से ख्याला खंड रेडियो कैलाली एफएम कैलाली से तैयार पारल हो। ई कार्यक्रम तैयार पारक लाग सामुदायिक रेडियो शुक्ला फाटा एफएम कंचनपुर, रेडियो प्रभु एफएम कंचनपुर, दिनेश एफएम कैलाली ओ गोदावरी एफएम कैलाली फे सहकार्य करल बाट। ई कार्यक्रम इह रेडियो के फेसबुक पेज में जाके फे सुन सकने बाटी। कार्यक्रम तैयार पारक लाग यूके एड सेफ टू लर्न इन वायोलेंस ओ मर्सिकोर आर्थिक सहयोग जुटाइल बाट। आब और अठवार इह बार इह समय में लवो भाग लेके अने बाटी। आबकला बिडाडी राम राम।